थैंक्स गाइज फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। और इस वीडियो के थंबनेल एंड टाइटल को देख के आप लोगों ने डिसाइड किया है कि आप अपना कुछ कीमती वक्त मुझको देने वाले हो बाई वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी जब आप लोगों ने क्लिक कर लिया है तो एंड तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ जो आई थिंक आप लोगों को जानना ज़रूरी है। सो सब जानने के लिए स्टे टिल द एंड एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हेलो ऑसम पीपल, हियर्स योर होस्ट अभिलाष। तो बताइए क्या हाल चाल। अभी आप सब लोगों को पता चल चुका होगा मेरा ये चैनल किस बारे में है। जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके मेरा पहला वीडियो देखिए। मैं उस वीडियो का लिंक अपने कार्ड में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अभी आज मैं थोड़ा हट के डिस्कस करने वाला हूँ अपने चैनल के ऊपर, दैट इज़ द सिचुएशन गोइंग अराउंड ओनली बिकॉज ऑफ COVID-19। क्योंकि देखिए ये जो COVID-19 का करेंट सिनेरियो है ना, ये किसी ना किसी हद तक मेरे इस मोटो व्लॉगिंग टॉपिक से रिलेटेड है। तो देखिए प्रेजेंटली हम लोग इस COVID-19 के सिचुएशन से बहुत ज़्यादा अवेयर है, एंड सही में ये जो कोविड है ना कहीं हम लोगों को एग्जॉस्टेड करके रखा हुआ है और हम सब लोगों को एक पैथेटिक सिचुएशन में डाल के रखा है। तो इस COVID-19 के सिचुएशन में अच्छा खासा वीडियो चल रहा था भाई, लेकिन लास्ट में मोबाइल के बैटरी ने मेरा साथ छोड़ दिया। फिर मोबाइल को चार्ज में लगाया, उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस वगैरह वगैरह घर का भी थोड़ा बहुत काम था तो वो सब ख़त्म करके फिर से शूट पे लग गया हूँ। हाँ तो मैं यही बोल रहा था कि इस कोरोना के टाइम पे घर से निकलना इतना सेफ नहीं है। और एक चीज़ देखो, ये कोरोना चीज़ है, माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, ये किसी इंडिविजुअली को अफेक्ट नहीं करता, ये जब अफेक्ट करता है पूरे कम्युनिटी को लेके ही ये अफेक्ट करता है, और ये चीज़ हम लोग को समझना पड़ेगा। हाल ही में 4 मई को मेरे पिताजी को कोविड हुआ था और मैंने अपने आँखों के सामने देखा एक कोविड पेशेंट कितना सफ़र करता है ड्यूरिंग दोज कोविड डेज। पहले 3 दिन तो आप लोगों को कुछ भी नहीं पता चलेगा कि होता क्या है, एकदम नॉर्मल रहोगे, लेकिन उसके बाद जो 5 दिन है, 5 या 6 दिन, किसी किसी को तो 7 दिन कंटिन्यू बुखार आता है, 102, 103, 101। अच्छा उसके बारे में अभी नहीं बात करते, मैं अभी कोविड का ज्ञान नहीं देने वाला। कोविड का ज्ञान देने वाले बहुत सारे हैं यूट्यूब पे भरे पड़े हुए हैं, और इस स्ट्रेस टाइम में मैं नहीं चाहता मैं भी और स्ट्रेस ऐड करूँ। तो क्योंकि मेरे पिताजी होम क्वारंटाइन थे, उनका फुल ट्रीटमेंट घर पर ही हुआ है, मैं और मम्मी भी क्वारंटाइन में थे, तो मैंने देखा कि कोविड पेशेंट बहुत सफ़र करता है यार, बहुत सफ़र करता है, और मैं नहीं चाहता मैं इस दुविधा में पड़ूँ। और अगर मैं बाहर गया, सपोज़ मैं अभी बाहर गया, मेरा अगर मुझे अगर कोविड हुआ, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी किसी को एसिम्टोमेटिक होता है, थोड़ा बुखार आके चला जाता है, लेकिन पकड़ लो मैं कोविड बाहर से लेके घर आया, मेरे पिताजी अभी भी रिकवरी के अंदर हैं, और फिर से मैंने उनको अगर कोविड दे दिया तो चांसेस है बहुत सीवियर हो सकता है। अगर अभी तक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब ज़रूर से करना, और जाते वक्त बेल आइकन को ठोक के जाना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को ठोकोगे तो आप लोगों को पता चलेगा जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ। सो गाइज मैं यही बोलना चाहूँगा कि राइडिंग वीडियोज़ आने में थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि मैं जिस डिस्ट्रिक्ट पे रहता हूँ दैट इज़ काछार डिस्ट्रिक्ट इन आसाम, यहाँ पर अभी भी कंप्लीट अनलॉक नहीं हुआ है, एंड मोर ओवर इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट भी बंद हो रखा है यहाँ पर। सो राइडिंग वीडियोस कैन गेट डिलेड बाय अ वीक और टू, लेकिन आप टेंशन बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपका भाई कंटेंट और वीडियोस कंटिन्यू लाता रहेगा और आपको एंटरटेन करने की हरदम कोशिश करेगा आपका ये भाई। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, एंड वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज वेयर मास्क एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंस। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।